तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको बिक्सबी का सपोर्ट मिलता है। तो बिक्सबी का एक और ऑप्शन होता है, बोल सकते हैं एक और एक सबऑर्डिनेट होता है जिसका नाम है बिक्सबी विजन, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट्स के बाद नए कमाल के फीचर उसमें ऐड ऑन किए गए। और एक्चुअल में बिक्सबी विजन कैसे यूज़ करते हैं सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बिक्सबी विजन के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर के माय अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको दो नए अपडेट मिल रहे होंगे बिक्सबी के, बिक्सबी विजन फ्रेमवर्क और बिक्सबी विजन, दोनों साथ में ही पैरेलली काम करते हैं, तो दोनों को आपको अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पर बिक्सबी विजन के अंदर। तो बिक्सबी विजन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नए चेंजेस मिल रहे होंगे। और नीचे की तरफ आके अगर आप देखेंगे तो बिक्सबी विजन को कब अपडेट किया गया, 4 अप्रैल को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 3.7.97.11 और उसका साइज है 26 MB का। अब बात करें यहाँ पर नए अपडेट्स की, क्या क्या नया इसमें अपडेट दिया गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे दो नए फीचर ऐड ऑन किए गए। द परफॉर्मेंस ऑफ द टेक्स्ट रीडर इज एसिबिलिटी मोड हैज़ बिन इम्प्रूव्ड। मतलब कि अगर आप अपने मोबाइल से टेक्स्ट रीडर करते हैं, टेक्स्ट को रीड करते हैं, तो उसकी इम्प्रूव कर दिया गया ताकि और अच्छे से अपने मोबाइल में आप टेक्स्ट को इम्प्रूव टेक्स्ट को रीड कर सके, और कुछ बक्सेस और ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। तो कर लेते हैं इसको अपडेट। तो इसको अपडेट करते करते आपको साथ में इसको भी अपडेट कर लेना है, ठीक है। दोनों को साथ में आपको अपडेट कर लेना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैंने कर लिया इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रांसलेट, दूसरा दिख रहा है टैक्स, तीसरा दिख रहा है डिस्कवर, तीसरा दिख रहा है वाइन, एंड देन लास्ट दिख रहा है एसिबिलिटी। आपको चार तरीके से ये ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेट मतलब कि ऐसा कोई टैक्स अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं और कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा है, लाइक मान लो आप चाइना गए हैं या फिर आप उधर गए हैं दुबई गए हैं या कहीं भी ऐसी जगह गए हैं, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, उस पर जो भी बोर्ड पे लिखा है और आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अपने कैमरे को उसकी तरफ डायरेक्शन करेंगे और ये आपको वहाँ पर ट्रांसलेट करके खुद ही बता देगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हिंदी में जहाँ तक उससे ट्रांसलेट हो रहा है वो आपको करके बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। आप चाहें तो उसको कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें बगल में मिलता है टेक्स्ट, मतलब कि अगर आपको इसमें से कुछ टेक्स्ट को निकालना है तो आप इसको यहाँ पर ऐसा रखेंगे और इसमें से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। आप देखेंगे टेक्स्ट हाईलाइट हो गया, इसमें से टेक्स्ट को आप अपना निकाल सकते हैं और कहीं भी कॉपी पेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद है बगल में डिस्कवर, मतलब कि कुछ आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसको आपने पहली बार देखा है और आपको लगता है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तो वो आपको खुद सजेस्ट करके बता देगा कि ये चीज़ ये होती है और ये मिलती है। लाइक मान लो मैंने अपना ये बोया का माइक का मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। वो इसको कैप्चर करेगा आपके सामने और ये बता देगा ये आपको कहाँ मिलेगा, क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें आपको कैप्चर करके वो खुद ही बता देगा, देख सकते हैं। तो आप इससे किसी भी चीज़ के बारे में देखना चाहें या आपने कोई चीज़ ऐसी देखी है कि आप जानना चाहते हैं ये चीज़ क्या है, तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करके उसको तुरंत ही देख पाएंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बगल में मिलता है वाइन। दोस्तों ये वाइन वाला फीचर बहुत ही कमाल का है। ये फीचर इसलिए काम का है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं फॉरेन और वहाँ पर कोई आपको नई तरह की वाइन दिखती है और आप जानना चाहते हैं ये वाइन क्या है, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके बारे में आपको जानकारी बता देगा, ठीक है। उसके बाद मिलता है एसिबिलिटी। एसिबिलिटी मतलब ये बहुत शानदार फीचर है। जैसे कि ये बोया माइक को पढ़ के बता रहा है, मैंने यहाँ पर ये हेडफोन लगा के रखे हुए हैं, नहीं तो वो आपको सुनाई देगा कैसे, मैं एक बार सुनाता हूँ। तो इस तरीके से ये माइक करता है। और अगर आपको मान लो एसिबिलिटी काम करती है, और मान लो अगर आपको इसमें से कुछ सीन को क्रिएट करना है, तो जैसे मान लो मैंने ये पकड़ा हुआ है तो पूरा सीन क्रिएट करके बता देगा। अ हैंड होल्डिंग अ ब्लैक माइक्रोफोन, मान लो कोई बंदा कुछ खड़ा है कुछ लेके और आपको उसके बारे में जान करना है, ये पूरी चीज़ इमेज करना है, तो आपको वो बता देगा। लाइक मैं अब इसको चेंज करता हूँ, अब मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है। अब आप देखना ही क्या बताएगा। अ हैंड होल्डिंग अ वाइट ऑब्जेक्ट, वाइट ऑब्जेक्ट को हैंडलिंग करा है। ऑब्जेक्ट इसमें जाएंगे, स्पीकर ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि शायद ये स्पीकर है। फिर से अगर मैं इसको स्कैन करूँ, ये चीज़ को आइडेंटिफाई करके आपको बताएगा ये चीज़ क्या है। इलेक्ट्रिक रेजर कैमरा लेंस, ये देखो ऐसे बता रहा है। ऐसे यहाँ पर टेक्स्ट रीडर में जाएंगे तो उसका टेक्स्ट को रीड करके आपको बता देगा, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बगल में आएंगे कलर वाला, अगर मान लो कोई ऐसा कलर है जो आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो कलर को भी आपको वो इमेज करके बता देगा। तो ये होता है बिक्सबी
रीज़न का, और जिसके अंदर आप बहुत सारे फैक्ट्स या बहुत सारी अपनी चीज़ें कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, और सबसे जरूरी चीज़ मुझे व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।